हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनू क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज मैं मोबाइल कवर बनाने वाली हूँ और उसके लिए मैंने ये तीन कलर लिए हैं। ये 10 नंबर का मैंने क्रोशिया लिया है और एक ये मार्कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मार्कर नहीं हो तो आप सेफ्टी पिन भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिये फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये ब्लू कलर लिया है, ये लाइट ब्लू कलर है, और इसमें मैं 30 चेन बना लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 32 चेन बनानी है, 31 और 32। ये मैंने 32 चेन बना ली। और अब देखिए, ये जो हमारी फर्स्ट चेन थी उसके मैं, ये देखिए, इसमें यूं बल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे सीधी होनी चाहिए ये। देखिए, और ये जो फर्स्ट चेन है हमारी, इसमें ले जाके मैं इसे स्टिफ स्टिच से इसको मैं ज्वाइंट कर दूंगी। ये देखिए, और फ्रेंड्स अब मैं एक चेन बना लूंगी और जहां हमने अभी स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन किया है उसी चेन के अंदर मैं एक बार सिंगल स्टिच बना लूंगी। ये देखिए, और जो मैंने अभी ये चेन बनाई थी उसे हमें यूज नहीं करना। अब जो मैंने सिंगल स्टिच बनाया है ना, उसकी जो चेन है ये वाली, ये देखिए, सिंगल स्टिच की जो हमारी चेन है उसके अंदर मैं ये मार्कर से इसमें निशान लगा दूंगी। ये देखिए, और मेरे पास ये जितनी भी चेन है, हर चेन स्टिच के बाद अंदर मैं एक एक बार सिंगल स्टिच बना लूंगी। ऐसे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी जितनी भी ये 32 चेन थी हमारी, सब 32 चेन के अंदर मैंने सिंगल स्टिच बना लिया एक एक बार। अब देखिए, अब ये मार्कर को मैं निकालूंगी और इस मार्कर वाली चेन के अंदर ले जाके मैं इसको स्लिप स्टिच से इसको मैं ज्वाइन करूंगी, लेकिन मैं इसे पूरा नहीं करूंगी। ये देखिए, मैंने यहां से ये डाला और ये धागा लिया और यहीं छोड़ दिया। हम सेकंड कलर शुरू करेंगे तो उस सेकंड कलर से हम इसको पूरा करेंगे, और सेकंड कलर मैं ले रही हूँ व्हाइट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब इस कलर से मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी और अब मैं फिर से एक चेन बना लूंगी और ये सेम जो हमारी चेन है इसके अंदर मैं एक बार सिंगल स्टिच बना लूंगी और फिर इसे मार्कर से यहां मार्क लगा दूंगी। ये देखिए ऐसे, और अब मैं सभी जितनी भी हमारी ये चेन है, सिंगल स्टिच है, हमें सारे सिंगल स्टिच के ऊपर एक एक बार मैं सिंगल स्टिच बना के मैं ये व्हाइट कलर से दो राउंड बना लूंगी सिंगल स्टिच के, सभी 32 के ऊपर। हमें कोई भी इंक्रीज नहीं करना फ्रेंड्स। अगर आप ये साइज में कम या ज्यादा बना रहे हैं, मान लीजिए कोई बड़ी चीज बना रहे हैं या छोटी बना रहे हैं, तो इस तरह से 8-8 के सेट में ये चेन हमारी होनी चाहिए, क्योंकि एक जो डिजाइन है हमारा 8 चेन के ऊपर बैठेगा। तो जैसे 8 8 16 8 24 8 4 32, ऐसे 8-8 के सेट में आप इन चेन को बढ़ाइएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने व्हाइट कलर से दो राउंड लगा लिए, और जैसे हमने ये व्हाइट कलर यहाँ पे ज्वाइन किया था ठीक उसी तरह से मैं अब यहां इसमें पिंक कलर ज्वाइन करूंगी। ये देखिए, ये मैं मार्कर निकाल लूंगी और इस मार्कर वाली चेन के अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, ये मैं कंप्लीट नहीं करूंगी इसको, दूसरे धागे से मैं इसको कंप्लीट करूंगी। ये देखिए ऐसे, ये हमारा दूसरा धागा ज्वाइन हो गया।
और अब जैसे मैंने ये व्हाइट से किए थे, ठीक इसी तरह से मैं दो राउंड पिंक से लगा लूंगी। ये हर जितनी भी हमारी चेन है, 32 चेन के अंदर मैं ये पिंक कलर से सिंगल स्टिच बना के, जैसे ये व्हाइट के किए हैं, इसी तरह से मैं पिंक से भी मैं दो राउंड यहाँ पे लगा लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दो राउंड इसके पूरे कर लिए और अब मैं इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको मैं ज्वाइन कर लूंगी। ये देखिए, और अब हमें फिर से यहाँ से ये जो ब्लू कलर था उसी को वापस से मैं इसको ज्वाइन करूंगी। ये तो ये हमारा जो नीचे है, ये देखिए, और इस धागे को मैं थोड़ा सा खींच दूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें ये वाला जो ये डिजाइन है ना, ये डिजाइन हम बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए, ये पहले हमने देखिए, ये पहले एक लाइन ये ब्लू कलर से बनाई थी, फिर ये दो लाइनें सिंगल स्टिच से ही बनाई थी हमने पहली लाइन भी, फिर ये दो लाइनें व्हाइट कलर से बनाई सिंगल स्टिच की, और फिर ये दो लाइनें पिंक कलर से बनाई, और अब हमने ये वापस से ये ब्लू कलर ज्वाइन किया है। तो अब देखिए ये बनेगा, ये पहले तो मैं ये एक सिंगल स्टिच यहाँ पे सेम चेन के अंदर बना लूंगी, जहां पे हमने अभी सिंगल स्टिच से ज्वाइन किया ना, उसी के अंदर बना लूंगी। और अब देखिए, ये जो एक दो और तीन बार मैंने इस पे धागा लिया है, ये तीन बार क्रोशिए पे धागा ले लिया, और जो ये हम स्टिच ये बनाया है ना, हम सिंगल स्टिच, इसके जो ये नेक्स्ट वाला ये वाला स्टिच है, इसके ठीक नीचे वाला स्टिच है ना, जो सा ये देखिए, ये देखिए ऐसे, इसके ठीक नीचे वाले ये वाला स्टिच, इसको हम फ्रंट पोस्ट के जैसे उठा लेंगे ऐसे, ये ब्लू कलर वाला, और इसको बना लेंगे। ये देखिए, ये पहले दो बार, एक बार निकाले दो धागे, फिर दूसरी बार निकाले, और फिर ये तीसरी बार, और ये चौथी बार, और फिर से एक दो और तीन, तीन बार हमने धागा ले लिया। और अब ठीक इसके साथ वाला जो सिंगल स्टिच है, उसको भी हम ऐसे ही फ्रंट पोस्ट की तरह उठा के सेम और बना लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा जो इसके जो हमने ये स्टिच बनाया था नेक्स्ट स्टिच के जगह पे, ये एक फ्रंट पोस्ट ये बना दिया, और उससे नेक्स्ट वाले की जगह ये बना दिया, तो ये दो हमारे ये हो गए ना। तो ये क्या करेंगे, यहां से हम चेन को ये एक और ये दो चेन स्किप कर देंगे, और ये तीसरी चेन के अंदर आके मैं ये सिंगल स्टिच से इसको बना लूंगी। ये देखिए, ये हमारा डिजाइन ऐसे बन गया। अब हम यहाँ पे 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है पहले, तो एक तो ये हमारा हो गया, और दो तीन चार पांच और ये 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारे ये सिंगल क्रोशिया हो गए। अब फिर से हम ये एक दो और तीन बार ये क्रोशिया पे धागा लेंगे, और अब देखिए, अब हमें यहाँ अंदाजे से, अगर आपको वैसे तो पता चल रहा है, ये ठीक इसके जो ये साथ वाला जो है ना, ये जहां भी हमने बनाया उसके साथ वाला, ये इसके ठीक नीचे वाले के ऐसे बनाना है। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से ये जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है वहां से ठीक उसके साथ से लेके 6 बार हम ये सिंगल क्रोशिया गिन सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7वां क्रोशिया। तो ये 7वें सिंगल स्टिच को हम ऐसे उठा के फ्रंट पोस्ट के जैसे और बना लेंगे। ये देखिए, और फिर 1 2 और 3 बार धागा लेंगे, और फिर इसके 7 वाले स्टिच को, जस्ट 7वाले स्टिच को भी हम एक फ्रंट पोस्ट की तरह बना लेंगे।
और जैसे ही हमने ये अभी फ्रंट पोस्ट ये दो बनाए हैं, इनके बैक वाली जो चेन है उसको हम स्किप कर देंगे पीछे से। ये देखिए, ये यहाँ तक हमने ये बना रखा है, ये इसके साथ वाली ये एक और ये दो चेन स्किप करके और नेक्स्ट चेन के अंदर मैं सिंगल स्टिच बना लूंगी। ये देखिए, और फिर से मैं यहाँ पे ये 6 बार सिंगल स्टिच बना लेंगे। ये देखिए, एक तो हमने जो ये बनाया था वो, एक ये दो और ये तीन, चार, पांच और ये छह। और अब मैं फिर से ये 3 बार धागा लेके और यहां से ये 6 सिंगल स्टिच छोड़ के 7वें सिंगल स्टिच को फ्रंट पोस्ट के जैसे उठा के और बना लूंगी। ये देखिए, ये हमारा दिखने में कुछ ऐसे आ जाएगा और इसी तरह से मैं अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने राउंड के लास्ट में आ गई हूँ। एक तो सिंगल स्टिच हमने जो स्टार्टिंग के अंदर बनाया था वो हो गया हमारा, और 5 ये सिंगल स्टिच हम मैंने अभी बनाए हैं, ये 1, 2, 3, 4 और 5, और ये एक जो पहले वाला 6, ये हमारे टोटल हो गए 6। तो अब इसके अंदर मैं इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लूंगी। ये देखिए, और अब मैं एक चेन बना के और पहले तो सेम इसी के अंदर बनाऊंगी सिंगल स्टिच और इसे मार्क कर दूंगी। और अब पूरे राउंड ये हम जितने भी हमारे पास ये 32 के 32 जो स्टिच है उनके अंदर मैं एक एक बार सिंगल स्टिच बना के अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए, ये दिखने में ऐसा होगा और ऐसे ही मैं बना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दूसरा राउंड अपना ये ब्लू कलर वाला कंप्लीट कर लिया। और अब देखिए, ये ब्लू के बाद में हमने व्हाइट कलर लगाया है, तो हम फिर से अब ये व्हाइट कलर को ज्वाइन करेंगे। और अब मैं ये व्हाइट कलर के सिंगल स्टिच से ही 2 राउंड में कंप्लीट कर लूंगी अपने ऐसे ही सिंगल स्टिच से। इस टोटल हमें सिंगल स्टिच से ही बनाना है और ये 32 ही रखने हैं हमें, ना तो घटाने हैं और ना ही बढ़ाने हैं। तो ये स्टिच हमारे 32 हों, इस बात का खास ख्याल रखना है कि ना तो ये घटे और ना ही ये बढ़े। तो देखिए, ये सिंगल स्टिच से ये इसी तरह से मैं ये 1 राउंड बना और फिर इसके बाद में एक और राउंड, टोटल 2 राउंड मैं व्हाइट कलर से बना लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने व्हाइट कलर से 2 राउंड कंप्लीट कर लिए और हमने ये व्हाइट के बाद में ये पिंक कलर स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं ये अब ये पिंक कलर यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगी। इस तरह थोड़ा सा मैं खींच दूंगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये एक चेन बना के पहले सेम इसी चेन के अंदर मैं एक सिंगल स्टिच बना लूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो ये हमने ये डिजाइन बनाया ना हमारा, तो इसके सेंटर में हम बनाएंगे। तो अब देखिए, हमें आसानी से पता चल जाएगा, ये 2 इधर छोड़ेंगे और ये 2 इधर, और ये बीच वाले 2 है ये हम फ्रंट पोस्ट की तरह उठा लेंगे। तो देखिए, ये एक तो हमने जो बनाया था ना पहले इससे, ये 2 हमारे फ्रंट पोस्ट वाले थे, इन पे बना लूंगी। ये देखिए, एक और ये 2, और ये 2 हम इसके साथ वाले ये बना लेंगे। ये देखिए, ये 1 और ये 2, इनके ऊपर हमने 2 सिंगल स्टिच बना लिए। और अब आ गए हमारे ये दूसरे वाले 2। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैं 1, 2 और ये 3, तो ये हमने पिंक कलर का धागा लिया है ना, तो अभी हम पिंक कलर के स्टिच को ही उठाएंगे फ्रंट पोस्ट के जैसे। ये देखिए, ये मैंने 1 और ये 2 स्टिच इधर छोड़ दूंगी और ये बीच वाले 2 है इनके ऊपर फ्रंट को बनाएंगे। तो ये देखिए, ये पहले ये इस पे बना लूंगी मैं, तीसरे वाले पे। ये देखिए, और फिर से 1, 2 और 3 बार धागा ले लूंगी और इसके साथ वाले में
फ्रंट पोस्ट के जैसे बना लूंगी और ये दो हमारे स्टिच इस तरफ बच जाएंगे। ये देखिए एक दो तीन और ये चार जैसे। अब ये दो जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाई है तो इसकी ये बन गए हमारे, तो ये पीछे इनकी चेन को मैं स्किप कर दूंगी, ये एक और एक ये दो और ये नेक्स्ट में मैं बना लूंगी। ये देखिए जैसे ये हमारे ये बनाए हुए थे, इसके बाद वाले हमने ये दो बनाए, इनके ऊपर तो हमने बनाने ही थे, और ये इधर वाले दो ये भी बना लिए मैंने सिंगल स्टिच, और ये दो बीच वाले मैंने फ्रंट पोस्ट के जैसे बना लिए, और अब ये दो वाले ये साथ ये साइड वाले दो ये मेरे सिंगल स्टिच हो गए। अब देखिए अब ये जो फ्रंट पोस्ट वाले जो हमने बनाए थे उसके ऊपर दो बना लिए हमने, ये एक और ये दो। अब देखिए फिर ये जैसे छह आ गए हमारे पास, तो ये फर्स्ट ये दो बनाने हैं हमें, और फिर ये दो फ्रंट पोस्ट के जैसे, और ये दो फिर से सिंगल स्टिच, तो इसके साथ वाले ये देखिए ये बना लिए मैंने फ्रंट पोस्ट के ऊपर साथ वाले दो। तो अब देखिए ये फिर से हमारे पास छह ही स्टिच आ गए, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसके दो ये सिंगल स्टिच। तो ये देखिए जैसे हमने दो इधर छोड़े दो इधर छोड़े, तो ये बीच वाले दो ये आ गए हमारे पास। तो फिर से हम इसकी तरफ आए जैसे, तो इसका भी देखो तो जैसे इधर ये हमने छोड़े थे इसके, ये देखिए ये दो इधर छूट गए इसके और दो इधर छूट के दो इसके ऊपर बनाएंगे। मतलब ये अगर बीच वाले दो फ्रंट पोस्ट पे बनाएंगे तो हमारे पास सिंगल स्टिच सिक्स ही आएंगे, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह आ गए। और फिर से हम ये दो बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक दो और ये तीन। ये देखिए ये दो सिंगल स्टिच इधर छोड़ दिए और ये तीसरे के ऊपर मैंने ये फ्रंट पोस्ट बना लिया, एक दो तीन और ये चार बार। अब ये एक दो तीन धागा लिया और ये मैं नेक्स्ट वाले पे आ गई और ये दो फ्रंट पोस्ट मैंने बना लिए, ये देखिए। और अब फिर से वही छह सिंगल स्टिच बना लेंगे और फिर से ये बनाएंगे। तो ये इसी तरह से हमारा ये डिजाइन देखिए ये ऐसे आता जाएगा, ये बीच में हमें छह सिंगल स्टिच रखने हैं और दो चेन के ऊपर हमारा ये डिजाइन बनेगा, फिर छह सिंगल स्टिच और फिर ये। इसी तरह से मैं ये अपने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जब हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में ये एक दो तीन चार और ये पांच हमारे सिंगल स्टिच बन गए थे, क्योंकि हमने यहां से स्टार्ट किया था। तो एक तो पहले ये एक इधर का ही था और दो इसके ऊपर वाले हो गए और ये दो इसके ऊपर वाले, तो एक हमारा अब हमने जो ये राउंड के लास्ट में बनाया, तो ये टोटल हमारे पास छह स्टिच फिर से आ गए। तो अब मैं इसमें ले जाके इसको ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी और फिर से मैं ये एक राउंड और इसके ऊपर सिंगल स्टिच का एस्टिच इसके ऊपर ये बना लूंगी सिंगल स्टिच से ही। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल स्टिच बना के और मैं अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी पिंक बना दिया और पिंक के बाद हमने ये ब्लू कलर यूज किया है, तो मैं अब दो राउंड सिंगल स्टिच के सेम इसी तरह से दो राउंड मैं ब्लू कलर से लगा लूंगी। ये देखिए पहले मैं ज्वाइन कर लूंगी इसको, देखिए सिंपल सिंगल स्टिच, ये सारे जो हमारे 32 चेन है हमारे पास इन सब के अंदर मैं एक एक बार सिंगल स्टिच बना के, और ये देखिए देखने में ऐसा लगेगा हमारा, और दो बार मैं इसको बना लूंगी, मतलब एक ये राउंड और एक इसके बाद और राउंड, दो राउंड टोटल मैं ब्लू कलर से बना लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दो राउंड लगा लिए ब्लू कलर से, और ब्लू कलर के बाद हमारा ये व्हाइट कलर है, तो हम ये व्हाइट कलर को ज्वाइन करेंगे। ये मैं एक चेन बना के धागे को मैं पीछे सेम जगह पे एक बार सिंगल स्टिच बना लूंगी। ये देखिए
अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें ये साफ पता लगेगा कि हमें डिजाइन कहाँ बनाना है। ये देखिए, पहले हमने ये डिजाइन बनाया, इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर ये हमने डिजाइन बनाया। और अब देखिए, अब ये बनाए, जब हमने पिंक कलर का डिजाइन बनाया तो इसके बिल्कुल सेंटर में बनाएंगे। तो अब हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये नीचे दोनों के सेंटर में ये डिजाइन है। तो इस डिजाइन के ऊपर हम डिजाइन डालेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा सेंटर में है। ये एक, दो और ये तीन, तीन बार मैंने धागा लिया। और ये देखिए, ये पता चल रहा है हमारा साफ। इसके ऊपर वाला, ये वाला फ्रंट, इसको उठा लूंगी मैं व्हाइट कलर से, और ये फ्रंट पोस्ट के जैसे इसको मैं बना लूंगी। और फिर से एक, दो और तीन बार धागा लूंगी, और इसके साथ वाला, इसको भी मैं फ्रंट पोस्ट के जैसे उठा के और बना लूंगी। और ये पीछे फिर से मैं ये एक और ये दो चेन छोड़ के और नेक्स्ट में ये बना लूंगी। और फिर से हम ये अब ये छह चेन बना के, और जब यहाँ आएंगे तो ये छह ठीक इसके ऊपर आएंगे हम, तो हमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये देखिए, दो बार, तीन, चार, पांच और ये छह। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ये छह हमारे सिंगल स्टिच हो गए, तो ये भी ठीक है। और इन दोनों के हम सेंटर में भी हमारा बन रहा है, और हमें कंफ्यूजन भी नहीं है, क्योंकि इसके ठीक ऊपर वाले पे हमें बनाना है। तो इसी तरह से ये पूरा डिजाइन आपका बनता जाएगा, कोई गलती नहीं आएगी। इसी को तरह से आप बनाएंगे तो मतलब, और ये गिनती सही रखेंगे, आपका डिजाइन बिल्कुल सही आएगा। तो ये आप इसको पूरा अपना जितना भी आपका मोबाइल है उसके अकॉर्डिंग आप ये इसको लंबाई को बना लीजिए। मैं मेरे मोबाइल के हिसाब से बना के और आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना ये मोबाइल कवर पूरा बना लिया मेरे मोबाइल के हिसाब से। तो ये टोटल ये एक, दो, तीन और ये चार लाइनें मेरी ये डिजाइन की आई है, यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किए थे। और ये एक बीच में ये दो, ये इस साइड से देखें तो ये तीन आई है। और ये मैंने ऊपर चार लाइनें सिंगल स्टिच से सिंपल प्लेन बनाई है। आप ये लाइनें आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, और अपनी ये लंबाई और डिजाइन के अकॉर्डिंग भी, जरूरत के हिसाब से भी। तो ये अब मैं आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी। ये देखिए, ये स्लिप स्टिच से। और अब हमें बटन के लिए बनाना है इसका। तो देखिए, ये मैंने इधर, ये जो हमारा जहां से हमने स्टार्ट किया था वो एकदम सेंटर पॉइंट ये हमारा है। तो इसको ऐसे रखेंगे, तो ये देखिए यहां से अगर गिनेंगे तो ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। और यहां से गिनेंगे तो भी ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, ऐसे बनता है ये। तो ये मतलब ये, और बीच में ये छः आ जाएंगे, तो ये एकदम सेंटर में बैठेगा। तो हमारा ये इस तरह से ये करके ये मैं बना लूंगी ऐसे। तो इसको ये एक हमारा ये आगे है, तो इसको मैं यहां से इसको ले जाके क्रोशिए को, और इसे यूं पीछे से यहां निकाल लूंगी आगे इसको मैं। और अब मैं ये एक चेन बना लूंगी। और पहले तो हमने जहां ये निकाला था इसी जगह, सेम जगह पे मैं एक सिंगल स्टिच बना लूंगी। अब ये नेक्स्ट में जाऊंगी, दो, फिर उससे नेक्स्ट में तीन बार, उससे नेक्स्ट में चार बार, और फिर उससे नेक्स्ट में पांच बार, और फिर उससे नेक्स्ट में छह बार। ये देखिए, ये जो हमारे यहां से आप गिनती कर लेना, ये छोड़ के आधे आधे इधर, और तीन हिस्से कर लीजिएगा इसके, और जो बीच वाला हिस्सा है उसमें आप ये
बिल्कुल सेंटर के अंदर आप ये बना लीजिए। अगर ये आपको पट्टी चौड़ी पसंद हो तो आप 6 से ज्यादा भी बना सकते हैं, और कम पसंद हो तो आप 6 से कम भी बना सकते हैं। और अब मैं हमें कहीं भी इंक्रीज नहीं करना ये, तो अब मैं ये जितने भी ये 6 स्टिच है ना हमारे, इन्हीं के ऊपर बना के और ये पट्टी को मैं पूरा कर लूंगी। ये देखिए ऐसे 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट में 6, और फिर से मैं ये एक चेन बना के बैक कर आऊंगी और फिर से सेम इसी जगह पे मैं ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये देखिए ये हमारी पट्टी इसी तरह से आती जाएगी और इसी तरह से मैं इसको बना के पूरा करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुल 1, 2, 3, 4 और 5 लाइनें इसकी बनाई है। और अब ये एक चेन बना के और ये वर्क को पलट लिया, और अब यहाँ पे मैं ये एक चेन बना लूंगी, सॉरी एक सिंगल स्टिच बना लिया मैंने ये, और इसके साथ में मैंने ये इसको साथ में और ले लिया, इसे कंप्लीट नहीं किया और इसके नेक्स्ट वाले को भी मैंने ले लिया, और ये अब ये तीनों को मैंने एक कर दिया। इसके बाद में मैंने ये नेक्स्ट भी मैं सॉरी 1, 2 और 3, ये 3 है बीच में स्टिच, तो मैं ये 3 की ये मैंने चेन बना ली, 4 चेन बना ली मैंने। ये 4 चेन बनाने के बाद में ये देखिए ये फर्स्ट से पहले वाला, ये देखिए ये 1 ये वाला और 1 ये लास्ट वाला, इन दोनों को उठा के दोनों से 1 बना दिया। ये देखिए ऐसे, और ये देखिए ये अब ये हमारे पास ये एक होल आ गया बटन के लिए, और अब मैं चेन बनाऊंगी और पलट दूंगी। अब ये जो हमारा ना, इसके अंदर मैं 4 बार सिंगल स्टिच बना दूंगी। देखिए 1, 2, 3 और ये 4। ये देखिए ये हमारा छोटा सा होल बन गया, और अब ये जो हमारा स्टिच है लास्ट, इसके अंदर मैं इसे स्लिप स्टिच से इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी। ये देखिए एक चेन बना के और मैं धागा काट दूंगी। ये देखिए ये हमारा एक छोटा सा ये हमारे पास होल आ गया। और ये जो धागा है ना, इस धागे को मैं अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी ताकि ये बुरा ना लगे, एकदम ऐसे दिखे नहीं, खूब अच्छे से इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा नीचे का खुला हुआ हिस्सा है, इसको भी हम सुई धागे से सिल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने धागा अच्छे से सेट कर दिया, यहाँ बुरा नहीं लग रहा। आप देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे से सिल लेंगे तो इसको हम पहले उल्टा कर लेंगे। देखिए उल्टा करने के बाद इसको हम ये सुई से अच्छे से इसको एक एक चेन के अंदर से ऐसे उठा के और इसको सिल देंगे। इसी तरह से मैं इसको यहां तक पूरा सिल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और लास्ट तक मैंने इसको सिल दिया, और अच्छे से मैंने इसको ऐसे पक्का करके, ये देखिए ऐसे। और अब इस धागे को मैं थोड़ा सा यहाँ लगा के ताकि ये हमारा खुले नहीं।
काट दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बनने के बाद में ऐसा लग रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आप फैंसी या जो भी आपको बटन पसंद हो वो आप यहाँ बटन लगा लीजिए, और अगर आपको डोरी पसंद है तो सिंपल चेन स्टिच से डोरी बना के और आप यहाँ डोरी भी लगा सकते हैं।